सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार के ऊपर मुसीबत आ गई है। उनके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। एडवोकेट मणि भूषण प्रताप सेंगर ने उनके खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। यही नहीं बल्कि मणि भूषण ने आनंद पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने जनहित याचिका में आनंद कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। इसके अलावा आनंद पर दूसरे कोचिंग संस्थान और उनके अपने संस्थान में पढ़े बच्चों ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसा कहा गया है कि आनंद दूसरे कोचिंग संस्थान के बच्चों को सुपर 30 का बताते हैं। आनंद से पढ़े छात्रों ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा, सुपर 30 के नाम पर वे कई बच्चों को पढ़ाते हैं और IIT का रिजल्ट आने पर उन्हें मीडिया के सामने लाते हैं। इसके चलते विकास बहल की अपकमिंग फिल्म, जो कि पटना के सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार की जिंदगी के ऊपर बनने वाली है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन मुख्य किरदार में है, जबकि वो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार का रोल निभाएंगे। यह फिल्म 23 नवंबर 2018 को नजदीकी सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अब देखना होगा कि आनंद खुद पर चल रहे इन विवादों पर क्या रिएक्शन देते हैं, साथ ही साथ कहीं इसकी वजह से ऋतिक की फिल्म प्रभावित ना हो जाए।